हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इधर मैंने बनाई थी यार स्माइली, मैं ये मार्केट से लेकर आई थी, फिर इसी के साथ मैंने बनाई थी घर पे। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि मेरे से बन पाती है कि नहीं बन पाती है। मैंने इधर उबले हुए लिए हैं 4 आलू, जिनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें गांठे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो स्माइली बनाने में हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसको मैंने गर्म गर्म ही फोड़ करके रख दिया है, जिससे कि इसकी जो नरमा है वो सारी निकल जाए। इसको मैंने कम से कम 10 मिनट के लिए रख दिया था। इधर मैंने सारी चीज़ें ली हैं, अरारोट लिया है, सूजी ली है, कुछ मैंने मसाले लिए हैं, और इसको मैंने कट करने के लिए मैंने एक ढक्कन ले लिया है, उसी के सहायता से हमें इसको तैयार करना है। अब सारे आलू को जो हमारा नरमाहट थी वो सारी निकल चुकी है। उसके बाद में फिर हम जितने भी हमें मसाले, इसमें ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ मुझे ऐड करना है नमक। इधर मैंने डाल रही हूँ अपने हिसाब से, आप इसमें सूजी ऐड कर सकते हैं। जब तक हमें आटे की तरह हमारा डो तैयार ना हो जाए, उसी हिसाब से हमें इसको ऐड करना है। पीछे से मेरा बेटा आ गया है हिमांशु, हिमांशु को तो आप जानते ही हैं। उसके बाद डाला है मैंने इसमें नमक। वैसे जो बाहर से मार्केट से जो स्माइली आती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ नमक ऐड होता है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से भी बनाई जाती हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें चटपटे का फ्लेवर देना था, तो मैंने हल्की सी इस पर डाल दी है रेड वाली मिर्ची। तो चलिए, इसके बाद मैंने डाला है इसमें अरारोट। अब इसको हमें आटे की तरह डो हमें तैयार कर लेना है। जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं उसी तरीके से हमें इसको भी लगा लेना है, और हमें इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं करने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नमक ही डालना होता है। अगर आपको चटपटे वाला फ्लेवर नहीं चाहिए तो आप इसमें मिर्ची बिल्कुल ना डालें, सिर्फ और सिर्फ नमक ऐड कीजिए अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। क्योंकि मेरा बेटा बड़ा है और वो मिर्ची हल्की फुल्की खा लेता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हल्की सी मिर्ची ऐड कर दी है। और इधर फिर हमारा जो आटा है वो अच्छे से लग रहा है, और इसमें मैं हल्के हल्का मतलब अपने आटे के हिसाब से इसमें अरारोट या सूजी में ऐड करती जा रही हूँ, जिससे कि मेरा आटा अच्छे से जब तक सेट नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसको इसी तरीके से मलती जाऊँगी। आप अपने हिसाब से ज़्यादा सूजी ऐड नहीं करेंगे, आप अरारोट यूज कर सकते हैं बार बार, जब तक टाइट ना हो जाए। और इसको फिर मैंने 2 हिस्सों में बांट लिया है, जिससे कि मुझे स्माइली बनानी है। नीचे डाल लिया है मैंने अरारोट, उसके बाद हम बेलन की सहायता से इसको बेल लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हम हल्के हल्के हाथ हमें यूज करने हैं, अगर हम टाइट करेंगे तो ये बेकार हो जाएगा। इसके बाद जो मेरा आटा है रोटी टाइप का है वो मेरा बन चुका है। अब इसको हमें शेप में काटना है, तो ये मैंने एक ढक्कन लिया है, ढक्कन की सहायता से मुझे इसमें शेप देना है। ये छोटा ढक्कन है, एकदम से स्माइली के ही साइज का था, तो इस तरीके से मेरी जो स्माइली है वो एकदम से परफेक्ट इससे निकल के आ रही है। इसके बाद फिर हमें इसमें शेप देना है, जिस भी आकार का आप दे सकते हैं। अब ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो वो थोड़ी अजीब सी लगने लगेंगी, और ये वाला जो साइज है मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा था। इसके बाद मैंने ये लिया है, आप अगर आपके पास इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है तो आप पेन भी यूज कर सकते हैं। पेन की सहायता से हमें इसमें आँख बना देनी है, और चम्मच की सहायता से हमें एक हल्की सी स्माइल देनी है, जो कि मैं इस तरीके से दे रही हूँ, आप लोग तो देख ही सकते हैं। थोड़ी मैं पहली बार बना रही हूँ तो स्माइली बनाने में थोड़ी सी मुझे अजीब, पहली बार बनाने में तो हर किसी को होती है, अनकम्फर्टेबल तो लगता ही है जब हम कोई पहला काम करते हैं। तो मेरी अच्छे से सारी स्माइली बन करके तैयार हो गई है, आप लोग देख ही सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 आलू लिए थे, और 4 आलू में से 2 प्लेट भर करके मेरी स्माइली तैयार हो गई है। अब इनको हमें कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए हमें इसको फ्रीजर में डालना है। तो हमें डायरेक्ट तो फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, हमें कोई पॉलीथीन लेनी है, पॉलीथीन होनी चाहिए जिप वाली, जिससे कि उसमें बाहर की हवा ना जाए। तो मेरे पास इस तरीके की 2 थैली हैं, तो वाइट वाली जो थैली है उसमें मुझे कुछ और रखना था, और मेरे पास ये नमकीन वाली भी थैली है। अगर आपके पास जिप वाली थैली नहीं है कोई भी, तो नमकीन तो हर किसी के घर में आती है, तो अगर आपके पास वो वाली थैली है तो आप उसमें भी रख सकते हैं ये स्माइली। ज़रूरी नहीं है कि जिप वाली ही थैली हो उसी में आप रख पाएंगे, तो आप लोग देख ही सकते हैं मैं भी उसी तरीके से रख रही हूँ, क्योंकि जिप वाली जो थैली आती है ना वो भी इसी तरीके की आती है। तो जितनी भी सारी स्माइली है मैं इसमें डाल दूंगी, और 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी सेकनी है तो 4 से 5 घंटे काफ़ी हैं, अगर आपके पास टाइम है तो एक ओवरनाइट के लिए आप इनको फ्रीजर में रख दें। ओवर नाइट आप इसको रख सकते हैं, उसकी वजह से क्या है कि अच्छे से ये सेट हो जाती है अपने शेप में, और नहीं तो ये सॉफ्ट रहती है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी सेकने में दिक्कत आ सकती है। तो ये एक हाथ में तो मेरी मार्केट वाली स्माइली है, और दूसरे हाथ में जो मैंने घर पे बनाई है वो वाली स्माइली।
स्माइली है। ये था फिर अगला दिन, मैंने यहाँ पे जो बाज़ार से मैंने स्माइली ली थी वो सेक करके देखी है। इसके बाद फिर मैंने जो घर पे बनाई है उनको सेक करके देखते हैं।